आखिर क्यों इस बेहतरीन फीमेल सिंगर को मर्दाना आवाज का टैग देकर रोमांटिक सॉन्ग्स गाने के लिए किया गया मना? भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया की मशहूर फीमेल सिंगर जो कि एक साथ कई आवाजों में गाना गा सकती है, जी हाँ, उनका नाम है सुनिधि चौहान। सुनिधि का जन्म एक हिंदू परिवार में 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एक थिएटर अभिनेता थे और मां हाउसवाइफ थी, जिन्होंने सुनिधि को सिंगर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। सुनिधि ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई दिल्ली स्कूल से की थी, लेकिन म्यूजिक में करियर बनाने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 4 साल की उम्र से ही उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने पापा की सलाह पर कैसेट और सीडी सुनकर रियाज करना शुरू किया। इसी दौरान अभिनेत्री तबस्सुम अपने म्यूजिकल हिट शो तबस्सुम हिट के एक शो के लिए दिल्ली आई थी। तब 8 साल की सुनिधि उनके पास गई और एक चांस देने के लिए कहा। तबस्सुम जी ने उस समय मना कर दिया, लेकिन सुनिधि उन्हें हाथ पकड़कर बैकस्टेज ले गई और गाना गाना शुरू कर दिया। तबस्सुम इतना प्रभावित हुई कि बिना किसी प्लानिंग के ही सुनिधि को स्टेज पर गाने का मौका दिया। सुनिधि ने ऐसा गाना गाया कि सभी दर्शक खुश हो गए, जिसके 4 साल बाद 11 साल की सुनिधि को लेकर उनके पिता मुंबई शिफ्ट हो गए ताकि समिति के करियर को आगे बढ़ाया जा सके। मुंबई आने के बाद तबस्सुम जी ने इन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खयाम, कल्याण जी, आनंदी जी, आदेश कुमार जैसे संगीतकारों से मिलवाया। इस समय कल्याण जी ने उनका नाम निधि से बदलकर सुनिधि रख दिया और कहा, इस भाग्यशाली नाम से तुम आगे बढ़ेगी। इसी दौरान उन्होंने स्टेज पर एक लाइव परफॉर्मेंस दिया। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की नजर सुनिधि पर पड़ी और उन्हें फिल्म शास्त्र का एक गाना गाने का मौका मिला और इसी गाने के साथ सुनिधि के बॉलीवुड करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद उन्होंने डीडी नेशनल पर आए रियलिटी शो मेरी आवाज़ सुनो को जीता और इन्हें भारत की बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए लता मंगेशकर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उसके बाद इन्हें HMV का अपना पहला एकल एल्बम करने का भी मौका मिला, लेकिन यह एल्बम फ्लॉप हो गया और उसके बाद सुनिधि ने संगीत से जुड़ी शिक्षा लेने के बारे में सोचा और गौतम मुखर्जी से शास्त्रीय गायन में औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया। इसी दौरान सोनू निगम से मुलाकात हुई और उन्होंने सुनिधि की मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर संदीप छोटा से करवाई, जो उस समय राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त के लिए काम कर रहे थे और सुनिधि को उस फिल्म में 3 गाने गाने का मौका मिला जिसमें फिल्म का टाइटल सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। इस गाने के लिए सुनिधि को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला और इन्होंने RD बर्मन अवार्ड जीत लिया। इसके बाद तो जैसे सुनिधि का करियर चल पड़ा, उसके कुछ साल बाद इन्होंने फिजा फिल्म के लिए सुष्मिता सेन पर फिल्माए आइटम नंबर महबूब मेरे को गाया। इस गाने को बहुत नेचुरल बताया गया, जिसे सुनिधि ने सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड कर लिया था, इसीलिए एक बार फिर से फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेशन सुनिधि को मिला। इसी साल उन्होंने गाना भी गाया। इसके बाद सुनिधि ने कई हिंदी फिल्मों में गाने गाए, जिसमें अजनबी फिल्म के मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है फिल्म सुनिधि का पहला रोमांटिक सॉन्ग बना। वही इस फिल्म का दूसरा गाना महबूबा महबूबा बहुत पॉपुलर हुआ। इसी बीच कहीं और फिल्म जैसे एहसास, यादें, हमराज और म्यूजिकल फिल्म सुर जैसी फिल्म में भी उन्होंने गाया। उन्होंने स्माइल दरबार के साथ फिल्म दीवानगी में अजनबी गाने को उनका अभी तक का सबसे टफ सॉन्ग बताया था। साल 2003 में सुनिधि ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में गाने के साथ साथ स्क्रीन पर परफॉर्म भी किया। हम सुनिधि के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह हमें और बेहतरीन गाने देगी।